नमस्कार दोस्तों, पीके सबसे क्लास में आपका स्वागत। दोस्तों बात करेंगे यूपी पीसीएल टीजी टू, अभी जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पर एक केस चल रहा है जो कि नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध चल रहा है कि इसके में जो है किसी का 45 नंबर भी बढ़ाया गया है, किसी का 0 नंबर बढ़ा है, तो इस पर जो है केस किया गया। इसकी जो है सुनवाई डेट आ चुकी है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए 42/52/2019 है और यहाँ पर देख सकते हैं 8 अप्रैल को फर्स्ट हियरिंग थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसकी अभी एक भी सुनवाई नहीं हो पाई, यानी अभी भी यह जो है जो रिट है यह एडमिशन में चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं 16 मई को जो है नेक्स्ट डेट मिली है, कोर्ट नंबर 6 में सीरियल नंबर 66 पे लगी हुई है। इसमें भी उम्मीद कम की जा रही है कि इसकी सुनवाई हो, क्योंकि सीरियल नंबर 66 आते आते जो है शाम हो जाएगी और उम्मीद बहुत कम है कि इसकी सुनवाई हो। लेकिन देख सकते हैं कि 16 मई को लगी हुई, यदि वो सुनवाई हो जाती तो श्योर हो जाएगा कि क्या इस केस पे जो है कुछ दम है या नहीं है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि 3 केस इसमें जो है ऐड हो चुका है, लिंक हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिट नंबर 87, रिट नंबर 66/43 और रिट नंबर 56/59 जो है 3 लिंक इसमें हो चुका है केस। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फार एडमिशन स्टेज ऑफ लिसनिंग में, फार एडमिशन में है, यानी कि अभी भी इस पर एक भी सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी देखना है कि यदि 16 मई को सुनवाई हो पाती है तो इस पर श्योर निर्णय हो जाएगा कि क्या यह केस आगे बढ़ेगा या डिस्पोज कर दिया जाएगा। उम्मीद करता है वीडियो पसंद, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।